रत्नों छोड़ी चौंद प्रभु जी रत्नं त्रयने वरिया, चक्र छोड़ी रज तनु प्रभु धर्म चक्र ने धरिया, काम देव रूप जड़ समझीन चेतन रूप ने वरिया, एवा जिन वर कुंद प्रभु जी दास हरि ने गमिया। हस्तिनापुर नगरी के महाराजा पंचम चक्रवर्ती तथा सोलहवें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के अर्धा पल्ले आयु जाने के पश्चात श्री कुंतनाथ भगवान का अवतरण। सोलहवें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की तरह ही सत्रहवें तीर्थंकर कुंतनाथ भगवान भी तीन पद के धारी तीर्थंकर हुए। श्री प्रभु पूर्व भव में जम्बू विदेह की सुसीमा नगरी के राजा सिंहरथ थे। विदेह में तो सदाकाली तीर्थंकर का समागम होता है। धर्म चर्चा में निमग्न रहते हुए आपने एक दिन महल की छत पर आत्मचिंतन करते हुए वैराग्य भावना भाई। तब भयंकर उल्कापात होने लगा और बिजली की चमक को देखकर आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ। आपने वहीं पर 16 कारण भावना भाई और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा और वहां से समाधि मरण पूर्वक मरण प्राप्त करके स्वर्ग के अहमिंद्र इंद्र बने। असंख्यात वर्षों की आयु को पूर्ण करके वहां से आप हस्तिनापुर नगरी में आपका जन्म हुआ। बड़े अचरज की बात है, जिस तरह का पुरुषार्थ शांतिनाथ भगवान ने मेघरथ के भाव में विदेह क्षेत्र में किया था, उसी तरीके से कुंतनाथ के जीव ने सिंहरथ के भाव में विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा और सर्वार्थ सिद्धि गए। वहां से कुंतनाथ भगवान का भी जन्म हस्तिनापुर में ही हुआ, जैसे शांतिनाथ भगवान का जन्म हस्तिनापुर में हुआ, तथा तीर्थंकर प्रकृति और कामदेव प्रकृति एक साथ बंधन की, उसी तरह कुंतनाथ भगवान जी ने भी ऐसा ही बंध किया। मानो कुंतनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान का ही अनुसरण कर रहे हो। सर्वार्थ सिद्धि की आयु 6 माह शेष बचने पर हस्तिनापुर नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगी। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ 17वें तीर्थंकर कुंतनाथ भगवान का अवतरण होने वाला है। हस्तिनापुर के राजा सूरसेन और रानी श्रीकांता अत्यंत हर्षित हुए। इसी कुल में पांडव भी जन्मे। यह हरिवंश कुल राजा श्रेयांश के भाई सोमदत्त के पुत्र जय कुमार उनके पुत्र हरि के नाम से प्रचलित हुआ। इसी कुल में शीतलनाथ भगवान आदि का जन्म हुआ और अब 16वें शांतिनाथ 17वें कुंतनाथ भगवान भी इसी कुल में अवतरित हुए। आगे भी इसी कुल में पांडव भी उत्पन्न हुए। श्रावण कृष्ण दशमी के दिन श्री कुंतनाथ भगवान माता श्री कांता के गर्भ में अवतरित हुए। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित हुआ। स्वर्ग से दिक कुमारी देवियां माता की सेवा के लिए आई। सौधर्म इंद्र ने कुबेर की आज्ञा के द्वारा प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा की। 15 मास तक प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होती रही। रात्रि के पिछले पहर में ही माता श्रीकांता ने 16 उत्तम स्वप्न देखे। सुबह राजसभा में श्री सूरसेन राजा से उन अपने उत्तम स्वप्न का फल जाना। और इसी तरह दिक कुमारी देवियों की माता के साथ चर्चा और सेवा में समय बीतता गया। 9.25 माह के पश्चात वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान कुंतनाथ का जन्म हुआ। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और सौधर्म इंद्र ने जाना कि भगवान का जन्म हो चुका है तथा वह अपने स्वर्ग लोक की समस्त वैभव को लेकर हस्तिनापुर नगरी आते हैं और हस्तिनापुर नगरी की शोभा अत्यंत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि आज 17वें तीर्थंकर कुंतनाथ भगवान बाल रूप में जन्म लिया है। शची इंद्राणी बाल कुंतनाथ भगवान को अपने साथ लेकर जाती है और माता के पास एक मायामयी बालक को सुला जाती है। सौधर्म इंद्र भगवान बाल तीर्थंकर को अपने मस्तक पर धारण करकर ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, जहां सूर्य चंद्र से भी ऊपर
99,000 योजन का सुमेरु पर्वत, उस पर पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान करते हैं और 1,008 दिव्य कलशों से उनका जन्माभिषेक करते हैं। सची इंद्राणी बाल तीर्थंकर के लिए स्वर्ग से ही वस्त्र आभूषण लेकर आती हैं और बाल तीर्थंकर को विभिन्न सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करती है। उस बाल तीर्थंकर का रूप इतना मनोरम है कि देखते ही नयन तृप्त नहीं होते। सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के बाद सौधर्म इंद्र को प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे पर अज का चिन्ह दिखाई देता है और सौधर्म इंद्र प्रभु का चिन्ह अज यानी बकरा चिन्ह घोषित करते हैं। सुरपति 1,008 नेत्र बनाकर भी प्रभु के रूप को देखकर तृप्त नहीं हो पाते हैं। पुनः बाल तीर्थंकर को सुसज्जित करके हस्तिनापुर नगरी लौटकर आते हैं और माता को बाल सौंपते हैं और इसी तरह बाल तीर्थंकर की लीलाएं प्रारंभ होती है। बाल तीर्थंकर के साथ खेलने के लिए आम बालक नहीं होते हैं, स्वर्ग से देव ही बाल रूप में लेकर आते हैं और विभिन्न महापुरुषों के राजकुमार बाल रूप में उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। स्वर्ण तप्त लाल रंग की काया वाले 17वें तीर्थंकर की आयु 95,000 वर्ष की है तथा 23,750 वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक का महोत्सव मनाया जाता है और इसी जन्मदिन के अवसर पर राज्य भंडार में सुदर्शन चक्र उत्पन्न होता है। यह सुदर्शन चक्र राज्य लक्ष्मी का प्रतीक है। 23,750 वर्ष का शासन काल करने के बाद पुनः वे जन्म उत्सव के दिन ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी। हस्तिनापुर की सजावट अद्भुत अचिंत्य शोभा वाली लग रही थी। तभी अचानक से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होता है। एक शोभा तो आत्मा का धर्म है और दूसरी शोभा कर्म का फल है। इस प्रकार गहरा चिंतन करते हुए उन्हें जाति स्मरण होता है और पूर्व के भव याद आते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ अहमिंद्र पद का भोग भोग चुके हैं। उसका स्मरण करते ही तत्क्षण उन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है। यह 6 खंड की संपदा तो तुच्छ है, इससे ज्यादा तो आत्मा का सुख अतुल्य है और वे निश्चय करते हैं कि मैं राज वैभव से हटकर अपने चैतन्य समुद्र में स्थिर रहूंगा। यह 6 खंड की संपदा और इंद्र शरीर के भोग, 96,000 रानियां और इतने सारे पुत्र पौत्रों से भरा यह मेरा परिवार नहीं है। इसी प्रकार तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव सम्राट विचार चिंतन करते हुए वैराग्य भावना भाते हैं। वैराग्य रस से ओतप्रोत तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। विजया नाम की शिविका लेकर उस पर भगवान को विराजमान करके वन गमन करते हैं। वन गमन करते हुए सभी घोड़े, नवनिधियां, रत्न सब इस तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे वे सब अनाथ हो गए हों, जबकि मोक्ष लक्ष्मी सनाथ होकर प्रफुल्लित हो रही थी। प्रभु कुंतनाथ भगवान के साथ 1,000 राजा भी दीक्षित हुए और शांतिनाथ प्रभु भी अपने जन्मदिन के ही दिन दीक्षा ली थी। इसी प्रकार अधिकतर तीर्थंकर अपने जन्म दिवस के उत्सव पर ही वैराग्य धारण करते हैं। सौधर्म इंद्र आदि सभी प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाने मध्य लोक आते हैं तथा प्रभु की पालकी को प्रथम उठाने का आग्रह करते हैं, लेकिन संयम की प्रधानता होने से तर्क वितर्क के साथ राजाओं को प्रथम पालकी उठाने का अवसर प्राप्त होता है। वैराग्य की भावनाओं का चिंतन करते हुए प्रभु नमः सिद्धेभ्यः कहकर पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं और विचार करते हैं। अब ऐसा उत्तम वीतरागी परिवार मुझे इस वन जंगल में आनंदित करता है। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, निज आत्मा ही जिसका गुरु है, अत्यंत शांति जिसकी गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया जिसकी बहन है, संयम जिसका भाई है, पृथ्वी जिसकी शैया है, आकाश जिसका वस्त्र है और ज्ञानामृत जिसका भोजन है,
ऐसा एकत्व ही सौंदर्य है मेरा, ज्ञान दर्शन मेरा व्यापार है, तत्व ज्ञान मेरा व्यापार है, अहिंसा मेरी जीवन शैली है, सादगी मेरा गौरव है और अपरिग्रह मेरी प्रभुता है। ऐसा सुंदर परिवार होने पर मुझे डर किसका, मोही संसारी जीवों को भय लगता है, शूरवीर मोक्ष साधक तो निर्भय होते हैं। प्रभु श्री कुंथुनाथ प्रभु के साथ 1000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। दीक्षा के 3 दिवस बाद मुनिराज कुंथुनाथ पुनः हस्तिनापुर में आहारचर्या के लिए पधारे। तब धर्ममित्र नाम के श्रावक ने उन्हें उत्तम विधि पूर्वक आहार दान दिया। शांतिनाथ तीर्थंकर की ही भांति वे भी 16 वर्ष तक मुनि दशा में रहे, भरत भूमि में विहार करते रहे। तत्पश्चात हस्तिनापुर के दीक्षा वन में पधारे। कहीं कहीं पर प्रकरण मिलता है कि मुनि कुंथुनाथ जी मंदारगिरी नगर में राजा वरदत्त के यहाँ प्रथम आहार ग्रहण करते हैं। तीर्थंकर प्रभु कुंथुनाथ चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए। देवों ने आकर प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया, अतिशयों से युक्त समोशरण की रचना की। उसी समय भव्य समोशरण में स्वयंभू आदि 35 गणधर थे, 700 पूर्वधारी मुनिराज, 83,150 उपाध्याय शिक्षक, 25,000 अवधि ज्ञानी मुनिवर, 5,100 विक्रिया रिद्धिधारी मुनिवर, 3,033 मनः पर्याय ज्ञानी मुनिवर, 2,050 वाद विद्या में पारंगत मुनिवर थे। इसी के साथ 3,200 केवली भगवान तीर्थंकर भगवान के समोसरण में विराजित थे। कुल 60,000 मुनिवर तथा 60,350 आरिकाएं समोसरण में विराजमान थे। 2,00,000 आत्मज्ञानी श्रावक और 3,00,000 श्राविकाएं थी। देवों तथा तिर्यंचों का तो कोई पार ही नहीं था। सभी जीव बैर विरोध छोड़कर, पशुता को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे थे और सम्यकता भी अपूर्व चैतन्य भाव के द्वारा मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु कुंथुनाथ 23,734 वर्षों तक भरत क्षेत्र में विचरण करते हैं और धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं। उसके पश्चात जब एक मास की आयु शेष रह जाती है, तब वे सम्मे शिखर पधारे और अविचल हो गए, विहार एवं वाणी थम गए और प्रभु शांतिनाथ भगवान की ही तरह जन्म तथा दीक्षा दिवस पर ही योग निरोध करके मोक्षपुरी पधारे। प्रभु स्वयं अचिंत ज्ञान के धारी थे और जिस टूक से मोक्ष पधारे, उस टूक का नाम भी ज्ञानधर कुट था। कुंथुनाथ जिन राज की ज्ञानधर कुट है जे, मन वचतन कर पूजहूं शिखर समेद यजे। श्री सम्मेद शिखर की ज्ञानधर कूट से श्रम श्रेणी में सिद्धालय में विराजमान श्री कुंथुनाथ भगवान खड़गासन से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद में बारंबार बारंबार मरा नमस्कार हो। तीर्थंकर प्रभु के समय में अन्य कोई पुराण पुरुष नहीं थे, मात्र कुंथुनाथ तीर्थंकर ही 3 पद के धारी थे, कामदेव तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद के धारी थे। अरे जीव, तू तीर्थंकरों का जीवन तो देख, वे चक्रवर्ती पद की विभूति को भी एक क्षण में छोड़कर मोक्ष साधना के लिए चल दिए और तू भी अपने भगवंतों के जीवन का अनुसरण करके आत्म साधना में शूरवीर बन। व्यर्थ का सोच विचार मत कर, अपनी आराधना में समय लगाओ। जय बोलिए श्री 1008 कुंथुनाथ तीर्थंकर भगवान की। जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र।